एक बुजुर्ग औरत थी जो अपने घर में अकेले रहती थी और वो जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो रोज सुबह अपनी बालकनी में आती थी और जोर से कहती थी, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। उसके बगल में एक दूसरा व्यक्ति रहता था जो कि पूरी तरीके से नास्तिक था। तो जब वो कहती थी भगवान की जय हो, तो वो वहां से जोर से चिल्लाता था, कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ऐसा सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक बार क्या हुआ कि ये जो बुजुर्ग महिला थी, उसको कुछ पैसे की बहुत कमी हो गई, उसके घर में कुछ खाने को नहीं था। तो जब वो बालकनी में आई तो उसने कहा, भगवान की जय हो, भगवान मुझे कुछ अन्न भेज दो खाने के लिए। तो उसका जो पड़ोसी था वो फिर से चिल्लाया, कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। लेकिन अगले दिन पड़ोसी ने सोचा कि इस बुजुर्ग महिला को कुछ सबक सिखाया जाए, और इसके लिए उसने क्या किया कि बाहर से बहुत सारा सामान खरीद के लाया और जितनी ग्रॉसरी थी वो सब खरीद के लाया और उसकी बालकनी में चुपचाप रख दिया। तो अगले दिन जब वो बुजुर्ग महिला बाहर निकली तो उसने देखा कि उसने जो भी मांगा था सब उसकी बालकनी में पड़ा हुआ है। उसको उसने उठाया और जोर से चिल्लाई, भगवान तुम्हारी जय हो, भगवान तुम्हारी जय हो। तो उसका जो पड़ोसी था वो बगल में इसका इंतजार ही कर रहा था, वो तुरंत बाहर आया और जोर से चिल्लाया, अरे मूर्ख महिला, ये जो सामान है भगवान ने नहीं दिया है, ये तो मैंने ही तुम्हारी बालकनी में डाला है। तो उसके बाद में जो महिला थी वो और जोर से चिल्लाई, उसने कहा, भगवान तुम्हारी जय हो, भगवान तुम्हारी जय हो, तुमने ना केवल वो सब दे दिया जो मैं चाहती थी, बल्कि शैतान को विवश कर दिया कि वो उसका सारा का सारा पेमेंट कर दे। इस तरीके से दोस्तों, जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ कारण ढूंढ लेता है अपने धर्म को सही सिद्ध करने का। इसका कारण दोस्तों ये है कि जो धर्म है या विश्वास है वो एक इमोशनल चीज़ होती है, वो हमारे दिल से आती है, और जब कोई भी चीज़ इस तरीके की होती है जो हमारे दिल से जुड़ी होती है तो हम कोई ना कोई तर्क जरूर ढूंढ लेते हैं उसको सही साबित करने के लिए। और जो आस्था होती है उसको हम किसी भी तर्क से बदल नहीं सकते। तो इस वजह से हमें दूसरों की जो आस्था है उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग किसी न किसी बात पे विश्वास करते हैं, और ये जो विश्वास होता है वो हमारे जीवन को सुखमय बनाने में, उसको स्थिरता देने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जैसे हम अपना विश्वास आसानी से नहीं बदलना चाहते, वैसे हम दूसरे धर्म के लोगों का विश्वास भी आसानी से नहीं बदल सकते। बजाय इसके कि हम दूसरे के विश्वास को गलत ठहराएं या उसको साबित करें कि नहीं, जो तुम सोचते हो वो गलत है, हमें दूसरों के विश्वास की भी इज्जत करनी आनी चाहिए, उनकी भावनाओं का भी हमको कद्र करना चाहिए। जब तक हम दूसरे की भावनाओं का कद्र नहीं करेंगे तब तक हम इस दुनिया में अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको सीखना चाहिए कि हमें दूसरों का विश्वास बदलने की बजाय दूसरों की इज्जत करना सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अलग अलग धर्म के लोगों की, अलग अलग संप्रदाय के लोगों की इज्जत करना नहीं सीखेंगे तब तक इस दुनिया में हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे और अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएंगे।